दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन के बारे में। Realme की जो नंबर सीरीज है Realme 8 सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है भाई, और Realme 8 Pro तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि जो Realme का कल इवेंट हुआ था जहां पर कैमरा लॉन्च किया गया था 108 मेगापिक्सल वाला, वहां पर ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको Realme 8 Pro के अंदर मिलने वाला है। Realme 8 के बारे में आज बहुत इंटरेस्टिंग खबर निकल के आई है भाई। माधव सेठ ने एक ट्वीट किया है जहां पर एक फोटो उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें Realme 8 का डिजाइन और उसका बॉक्स क्लियर नजर आ रहा है, और उस बॉक्स को देख करके भाई इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस क्लियर हो जाते हैं कि इस फोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 8 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर यह फोन लॉन्च हो सकता है, और क्या यह फोन लेने लायक रहेगा या नहीं रहेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले हमेशा की तरफ बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको प्लास्टिक ही मिलने वाली है। Realme 8 Pro में शायद आपको ग्लास बिल्ड मिल जाए, लेकिन Realme 8 में तो डेफिनेटली आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलेगा। प्लास्टिक का बैक मिलने वाला है, प्लास्टिक की फ्रेम मिलेगी, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन यहां पर आपको मिल सकता है। तो बिल्ड क्वालिटी एवरेज मिलती है मेरे हिसाब से, थोड़ी सी इसको बेटर किया जा सकता है, लेकिन अभी आपको भाई प्लास्टिक बिल्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। डिजाइन की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न यहाँ पर Realme ने चेंज किया है। यहाँ पर टॉप लेफ्ट में आपको स्क्वायर शेप कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर 4 कैमरास की हाउसिंग है। उसी के नीचे एक सेक्शन और बना हुआ है जहां पर LED फ्लैश आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में डेयर टू लीप लिखा गया है, Realme की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और फ्रंट में अगर बात करते हैं तो टॉप लेफ्ट में आपको पंच होल मिलेगा, सिंगल पंच होल के साथ में डिस्प्ले मिलेगा, हल्की सी चेन आपको मिलेगी। कलर ऑप्शंस आपको भर भर के Realme दे ही देता है भाई, हर बार कलर ऑप्शन में भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो डिजाइन तो फोन का अच्छा है भाई, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती है ग्लास बिल्ड अगर दे दिया जाए, लेकिन उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। प्लास्टिक बिल्ड से यहां पर आपको काम चलाना पड़ेगा, एवरेज बिल्ड क्वालिटी है। फोन का डिजाइन देखने में अच्छा लग रहा है भाई। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं, 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल यहां पर आपको मिलने वाला है, और यह पहली बार होने वाला है कि नॉन प्रो नंबर सीरीज में, मतलब जो प्रो मॉडल नहीं होते हैं नंबर सीरीज के, वहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। 20:9 का आपको एस्पेक्ट रेशो मिलता है, 411 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 600 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइट इनफ डिस्प्ले यहां पर आपको मिलने वाला है। लेकिन रिफ्रेश रेट यहां पर आपको 60 हर्ट्ज का ही मिलने वाला है। इस बार Realme की जो नॉन प्रो सीरीज है वहां पर आपको हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। Realme 7 में हमको हायर रिफ्रेश रेट मिला था 90 हर्ट्ज का, लेकिन वहां पर IPS पैनल था, यहां पर सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है प्लस 60 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो डिस्प्ले मेरे हिसाब से अच्छा दिया गया भाई, क्योंकि मैंने पोल भी रखा था जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि सुपर एमोलेड विद 60 हर्ट्ज या IPS LCD विद 90 हर्ट्ज लेना पसंद करोगे, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सुपर एमोलेड विद 60 हर्ट्ज से हमारा काम चल जाएगा। तो डिस्प्ले यहां पर Realme की तरफ से काफी अच्छा दिया गया है। चिपसेट की अगर बात कर ले भाई, परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो यहां पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूं Realme से, क्योंकि भाई यहां पर आपको वही पुराना वाला जो Realme 7 में मिला था वही चिपसेट दिया गया है। MediaTek Helio G95 इस फोन के साथ में आपको मिलने वाला है। अब G95 यूं तो अच्छा चिपसेट है भाई, गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया चिपसेट है, लेकिन इसको अपन अपग्रेड नहीं बोल सकते भाई परफॉर्मेंस के मामले में। परफॉर्मेंस आपको वैसी मिलने वाली है जैसी Realme 7 से आपको मिलती है। चिपसेट की अगर बात करें तो 12 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, 2.05 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, A76 वाले कोर्स मिलते हैं, तो CPU परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाती है, गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है। आर्मली G76 MC4 GPU यहां पर आपको मिलता है, जिसको 900 MHz पर क्लॉक किया गया है, तो गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलती है भाई। लगभग 295,000 के आसपास इसका एंड्रॉइड स्कोर आता है, तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। लेकिन Realme 7 से कोई अपग्रेड यहां पर नहीं दिया गया है, सेम चिपसेट दिया गया है। LPDDR4X RAM के साथ में आएगा, UFS 2.1 वाली स्टोरेज आपको मिल जाएगी, तो परफॉर्मेंस से आपको शिकायत नहीं आने वाली है भाई, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। स्पेशली अगर आपको गेमिंग करनी है बजट में रहकर के, तो एक अच्छा डिवाइस आपके लिए हो सकता है, परफॉर्मेंस यहां पर आपको अच्छी मिल जाएगी। कैमरास की अगर बात करते हैं तो कैमरास में भी आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। वही 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है। आई थिंक सेंसर यहां पर आपको सोनी IMX682 ही मिलने वाला है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का
ब्लैक एंड व्हाइट वाला सेंसर रहता है वो मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिलने वाला है। 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर रियर कैमरा से। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा यहां पर आपको मिलेगा। खैर सेल्फी कैमरा के बारे में कोई भी ऐसी रूमर्स निकल के नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद यही है भाई कि 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलने वाला है और 1080 पिक्सल्स में आप 30 FPS पर उससे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा सेटअप अच्छा है लेकिन कोई अपग्रेड यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर देखा जाए तो एक अच्छा कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलता है। बैटरी की अगर बात करते हैं, अगेन 5000 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलने वाली है, साथ ही में 30 वॉट की आपको चार्जिंग मिलेगी। तो बैटरी मॉड्यूल पे आपको Realme 7 वाला ही मिल रहा है। 65 वॉट की चार्जिंग यहां पर नहीं दी गई है भाई, 5000 mAh की बैटरी विद 30 वॉट डार्ट चार्ज आपको मिलेगी। टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा चार्ज करने के लिए, 3.5mm का खड्डा, 3.5mm जैक इस फोन के साथ में मिल जाएगा। Realme X7 में नहीं दिया भाई इनने, लेकिन इस फोन के अंदर आपको डेफिनेटली जैक देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में बात कर लें तो जो फोटो आया है उसको मैंने थोड़ा सा जूम करके देखा भाई, तो उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, क्योंकि जो साइड में बटन दिया गया है वो भाई वो बाहर निकला हुआ बटन है, जो पावर बटन होता है और बाहर निकला हुआ है, मतलब वहां पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर एंड की अगर बात करें तो आई थिंक ये वाला फोन आपको एंड्रॉइड 11 पर मिल सकता है, एंड्रॉइड 10 भी हो सकता है भाई, इस चीज को लेकर के थोड़ा सा मेरे को डाउट है भाई। तो एंड्रॉइड 10 आप मान के चलो, एंड्रॉइड 10 पे आपको मिलेगा Realme UI 1.0 मिलेगा, 2.0 का आपको अपडेट मिल जाएगा। और Realme UI जो है भाई, एड्स भले से उसमें आते हैं लेकिन क्लीन एक्सपीरियंस रहता है। पर्सनली मेरे को Realme UI काफी पसंद आता है, तो भाई अच्छा है। ब्लोटवेयर्स जरूर आपको मिलेंगे लेकिन बैंड एप्स वगैरह नहीं मिलने वाली, और ब्लोटवेयर्स को आप इंस्टॉल कर पाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपका अच्छा रहने वाला है। माइक्रो SD का स्लॉट, डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट भी यहां पर आपको मिल सकता है, ये भी एक काफी अच्छी बात है भाई, जो कि जरूरी होता है। उसके अलावा अगर बात कर लें, ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात कर ली है। सिंगल स्पीकर मिलेगा यहाँ पर आपको, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलने वाले हैं। और वेरिएंट्स की अगर बात कर लें, मेरे हिसाब से 3 वेरिएंट में फोन आएगा, 6/64 से स्टार्ट होगा, 6/64, 6/128 और 8/128, 3 वेरिएंट में आपको ये फोन मिल सकता है। और प्राइस पॉइंट की अगर बात करें भाई, तो प्राइस पॉइंट को लेकर के कोई लीक्स नहीं है, कोई र्यूमर्स नहीं है, मैं मेरी तरफ से भी नहीं बता रहा भाई, क्योंकि इस फोन का जो प्राइस है आई थिंक वो डिपेंड करेगा कि Redmi की जो Note 10 सीरीज है वो किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होती है, और उससे कम्पीट करने वाला प्राइस पॉइंट इस फोन का हो सकता है। तो अब अपन भाई कल देख ही लेते हैं, कल नहीं एक्चुअल में वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डलेगा कल 4 तारीख को, मतलब आज ही Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च होने वाली है, उसके प्राइस पॉइंट क्या निकल के आते हैं उसको देखते हुए आई थिंक कि Realme 8 जो सीरीज है उसका प्राइस पॉइंट डिसाइड होगा। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो भाई कि इन स्पेसिफिकेशंस, अगर ये सारे स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं फोन के अंदर, तो किस प्राइस पॉइंट पर आप उस फोन को खरीदना पसंद करोगे, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।